हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बिग कैश बॉक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज डेट है 10th ऑफ जून और सुबह 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है और निफ्टी 11,930 का जो लेवल हमने बना के रखा था उससे रिजेक्शन दिखा रहा है। तो ये अभी ये लग रहा है कि निफ्टी 11,895 और उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो चलिए, इंडिया बुल्स का जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला था और वो कैप्चर नहीं कर पाए, तो सेकंड ट्रेड हम कैप्चर करेंगे। देखिए, WTSS लेवल्स ऑलरेडी बना के रखे, आप देख सकते हो, और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ले लेंगे, क्योंकि अभी तो एक टारगेट तो अचीव हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट के लिए वेट करेंगे। और नेक्स्ट है 725 लेवल और उसके नेक्स्ट है 716 और उसके बाद सीधे 701। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टारगेट्स मिलते हैं। WTSS लेवल्स एक मार्केट स्ट्रक्चर है, तो ऐसा होता नहीं है कि लेवल के आसपास आए तो इमीडिएटली शॉर्ट करो या बाय करो। एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, उस सेटअप का हम वेट करते हैं और कुछ रूल्स है और रूल्स को अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं, वरना ट्रेड नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है कि लेवल्स को टच करने के बाद इमीडिएटली बाय करो, यहाँ पर आ गया तो बाय करो या सेल करो, ऐसे होता नहीं है। तो कुछ एक सेटअप का वेट करके ही उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तो चलिए मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और आप देख सकते हो WTSS लेवल कितने अच्छे से चलते हैं। आप मेरे बाकी वीडियोस भी आप देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा और उससे आपको ये ज़रूर आइडिया आ जाएगा कि WTSS लेवल्स कितनी अच्छी तरह चलते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक छुपा हुआ है और वो लॉजिक को अप्लाई करके ही हम लेवल्स को डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए चलते हैं और वेट करते हैं फिर सेटअप का। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए 12:02 हो चुके हैं और जैसे मैंने कहा था, निफ्टी इस लेवल के आसपास जाएगा, 11,899 के आसपास जाके थोड़ा सा लो बना के फिर इसी लेवल के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग लेवल बना के रखी थी ऑलरेडी, और जब निफ्टी का रेंज कहीं यही था तभी मैंने बताया था कि इस लेवल के आसपास वो जाएगा। और इंडिया बुल्स देखिए, यहाँ पर एक WTSS लेवल है, इस लेवल को एग्जैक्टली टच करके अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, हम अभी भी मार्केट के बाहर ही है, ट्रेड लिया नहीं है, और जैसे ही ट्रेड कुछ बनता है तभी हम अपडेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए 12:18 हो चुके हैं और निफ्टी ने जो लेवल मार्क थी उसको तोड़ के निफ्टी अभी नीचे ट्रेड करी है, तो लग तो ऐसे रहा है कि नेगेटिव बायस है, तो बेसिकली यहाँ से रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है निफ्टी का। तो ये कर सकते हैं कि जैसे इंडिया बुल्स कोई भी रिट्रेसमेंट लेता है तो हम उस रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो इस लेवल पे, यहाँ पे इस जोन में इंडिया बुल्स अगर आता है कहीं पे भी, या कहीं पे भी इसी जोन पे, तो इस जोन पे हम इंडिया बुल्स को शॉर्ट करेंगे। सो ये प्राइस जोन है अप्रॉक्सीमेटली 740 और 742, इसके आसपास 741, 742, 740 के आसपास। तो इस जोन में कहीं पे भी इंडिया बुल्स मिलता है तो हम उसे शॉर्ट करेंगे और वेट करेंगे फर्स्ट टारगेट 732 एंड सेकंड टारगेट 725। ओके, सो चलिए चलते हैं और वेट करते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए हमें हमारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, सो एक मिनट में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो 741 740 इस जोन में हमें शॉर्ट करना है। ये बड़ी कैंडल देख के आप डर मत जाइएगा, ये स्टॉक नीचे ही आने वाला है और 732 के आसपास फर्स्ट टारगेट हमें ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, एक रिट्रेसमेंट स्टॉक में दिया हुआ है अच्छा खासा, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 731 732 है, और सेकेंड टारगेट जो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, सेकेंड टारगेट इज 725 मार्क कर लेता हूँ 725 के आसपास, और यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सर्कल कर लेता हूँ। तो आपको ये जो है सर्कल हमेशा रहेंगे एंड ऑफ द डे तक, और आपको ये पता चलेगा कि टारगेट्स कैसे अचीव हुआ। सो ऑलरेडी 740 के आसपास शॉर्ट क्रिएट हुआ है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट अर्बुल फाइनेंस एट 740। फ्रेंड्स, हमारे स्टॉपलॉसेस और टारगेट्स हमें पता होते हैं एज़ पर WTSS स्ट्रैटेजी, और हमारे स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं,
तो सबको ये पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ है, और हमारे टारगेट्स भी नेक्स्ट WTSS लेवल से होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हिट होता है सबसे पहले, स्टॉप लॉस या टारगेट। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए इसी कैंडल पे 738 के आसपास प्राइस आ चुकी है। 740 को हमने शॉर्टिंग पोजीशन ओपन की थी, तो आप देख सकते हो कि WTSS लेवल्स कितनी अच्छी तरह चलते हैं, और आगे चल के भी आप देखोगे कि कैसे टारगेट्स अचीव होते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए 12:25 हो चुके हैं, और ये जो कैंडल है कितनी लंबी कैंडल बन चुकी है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। ये जो कैंडल है इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल, स्टॉप लॉस हंटिंग। सो आपने अगर मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग पे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है बेसिकली। और हमें ये पता है कि अभी ये शॉर्टिंग पोजीशन ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे ऑलरेडी 737 के आसपास प्राइस चल रही है। तो डेफिनेटली हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे मैं कह रहा था कि यही है बिग कैश बॉक्स का यूट्यूब चैनल है यहाँ पे, और कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, कई लर्निंग वीडियोस भी हैं। तो इसमें आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो मिलेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग सीक्रेट्स। तो ये आप ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छा वीडियो है, और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस होता क्या है, और मार्केट में हमेशा कैसे स्टॉप लॉसेस के शिकार किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चैनल को प्लीज़ विजिट कीजिए। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए 735 के आसपास प्राइस चल रही है, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे लंबे लंबे वीक्स बना के लोगों के स्टॉप लॉसेस बड़े ट्रेडर्स ने काट दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे लंबे वीक्स बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉसेस है बहुत ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस होते हैं लोगों के, और ये पता होता है बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो ये जो स्टॉप लॉसेस वो आराम से काट के फिर उन्हें एक अच्छी प्राइस, सेलिंग प्राइस जो मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 740 जो सेलिंग प्राइस जो एग्जैक्टली इस लेवल के टॉप पे, आप देख सकते हो 741, सॉरी 741 टॉप पे है। 740 हमारी शॉर्टिंग प्राइस थी, मैंने यहाँ पे लिखी भी थी 740 पे। तो ऐसे कुछ स्टॉप लॉसेस और ये जज किए जा सकते हैं, और आराम से उन्हें जो है अच्छी प्राइस सेलिंग के लिए मिल जाती है। सो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और आप ये सब सीखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा। अदरवाइज हम मार्केट से ऐसे ही निकलते जाएंगे, और हमारी कैपिटल जो है मार्केट में ख़त्म होती रहेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीखिए और सीख के मार्केट में आइए। देखिए अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो 732 के आसपास जब प्राइस आएगी तो फिर से एक बार ऑन कर लूँगा। ओके सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख सकते हो 731 के आसपास प्राइस आ चुकी है, और निफ्टी भी कैसे नीचे आ रहा है इस लेवल से जहाँ पे लेवल मार्क कर चुके थे, और नेक्स्ट लेवल है 811,865, वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो इंडिया बुल्स फाइनेंस का जैसे टारगेट मैंने बताया था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 740 के आसपास शॉर्टिंग हुई थी, और 732 731 के आसपास भी प्राइस आ चुकी है। तो ऑफकोर्स द फर्स्ट टारगेट इज अचीव, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग की थी वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। फर्स्ट टारगेट है। और फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखिए कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो हमने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है 731 के आसपास, और नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस नेक्स्ट लेवल टच ही हो जाए, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है और पूरे के लिए वेट करेंगे। थोड़ा सा लग रहा है नीचे जाएगा, और अभी टाइम भी है, काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो 11:40 के आसपास हुए, सो बहुत सारा टाइम बचा है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ से स्टॉक इमिडिएटली रिवर्स हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। लेकिन नेक्स्ट लेवल शायद आ सकता है, अगर नहीं आता है तो कहीं आसपास बीच में भी हम पूरा प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करो, क्योंकि फर्स्ट टारगेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टारगेट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करना कोई मैंडेटरी नहीं है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए 1:55 हो चुके हैं, और हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ के
नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है और पार्शियल वहाँ पे बुक हो चुका है, लेकिन उसके बाद देखिए प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ऐसे नहीं कि हमेशा बुकिश टाइप के ट्रेड्स आपको मिलेंगे और हमेशा प्राइस जैसे ही काटेगी तो और नीचे जाएगी, ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे पार्शियल तो ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो इतना प्रेशर वाला कुछ काम है नहीं, और 735 के आसपास प्राइस चल रही है तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है। सो चलिए वेट करते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और ऑलरेडी प्राइस ने लो बना लिया है 729 के आसपास, और थोड़ा सा वेट करेंगे। टाइम हमारे पास अभी भी है क्योंकि 2:05 ही हुए। अगर प्राइस 728 के नीचे भी जाती है तो समझ लेना चाहिए कि 724 725 जो हमारा नेक्स्ट WTSS लेवल है वहाँ पे प्राइस आराम से टच करेगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे भी पार्शियल प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि पार्शियल प्रॉफिट बुक्ड। ओके, 732 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ है, 731 अभी प्राइस चल रही है। सो वेट करते हैं और कोई बात नहीं, और ये देखते हैं कि नेक्स्ट WTSS लेवल है उसके आसपास प्राइस जाती है या नहीं जाती। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, देखिए 732 के आसपास प्राइस चल रही है और चांसेस तो लग रहे हैं कि नीचे जाएगी, क्योंकि हमारे पास और थोड़ा टाइम बचा हुआ है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक एडवाइस है कि बेसिकली यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कहीं इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा ले, और ये देखिए यहाँ पे। सो ये आपका स्टॉप लॉस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 734.50 के आसपास, जिसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक किया है 732 पे, 740 पे शॉर्टिंग था, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर वो हिट होता है तो हम निकल जाएंगे, वरना वेट करेंगे। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 734.50। अभी प्राइस चल रही है 732 के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे 732.60 चल रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे कर ले 732.50 के आसपास, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं कभी कभी। 2:18 19 हो चुके, तो हम प्रिपेयर रहेंगे रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये टाइमिंग्स ट्रेडर्स को पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे तो हमें ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो चुका है, ऑलरेडी 740 से लेके 732 तक 8 रुपये वहाँ पर मिल चुके हैं, और अगर ये स्टॉप लॉस भी कटता है तो 5.5-6 रुपये वहाँ मिल जाएंगे, तो 7 रुपये का तो हमारा एवरेज ऑलरेडी हो चुका है। 6-7 रुपये अगर एक स्टॉक पे 700 रुपीज़ के स्टॉक पे हमें मिलते हैं, जो कि 1% ऑफ स्टॉक वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा पैसे है दोस्तों, बहुत अच्छा मुनाफा है। डे ट्रेडिंग में आपको 1% मिलता है डे ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो ये आप मान के चलिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करते रहना है। पैसे को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, सीख लीजिए, अगर आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलिए और देखते हैं कि क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्क कर लिया है। तो जैसे ही प्राइस अगर कैंडल यहाँ पे टच होती है तो आप ये मान के चल सकते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, देखिए 724-725 प्राइस ऑलरेडी WTSS लेवल को तोड़ के नीचे जा रही है, नेक्स्ट WTSS लेवल, तो हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आप देख सकते हो मार्किंग यहाँ पे किया था, 740 पे शॉर्टिंग किया था, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाया था वो भी हिट नहीं हुआ है, और 724 प्राइस ने टच कर लिया 724, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है सेकंड टारगेट ऑल्सो अचीव। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे कुछ WTSS लेवल्स के साथ ट्रेडिंग चलती है। लेवल्स डायनामिक लेवल्स है जो हम एक दिन पहले ही चार्ट पे डिप्लॉय कर लेते हैं, और ऐसे कुछ WTSS स्ट्रेटजी कहती है कि हर लेवल पे शॉर्ट या बाय नहीं करना है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को हमें यूज़ करना होता है, और वो रूल्स अगर बीट होते हैं तभी हमें बाइंग सेलिंग करना होता है। तो हमारे टारगेट्स ऑलरेडी इजीली अचीव हो चुके हैं, हमें कोई टेंशन वाले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कुछ प्रेशर आया। पार्शियल प्रॉफिट हमने यहाँ कहीं बुक किया, उसके बाद फुल प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत इजी ट्रेडिंग होती है WTSS से,
और कोई भी ट्रेडर इससे सीख सकता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और बेसिकली ये चीज़ है कि देखिए, इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है एब्सोल्युटली फ्री है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो एब्सोल्युटली फ्री है। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको वीडियो पर मिल जाएगा, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।